हेल्दी और वेट लॉस की सीरीज में आज बनाते हैं रवा उत्तपम। घर में मिलने वाले बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। डालेंगे एक कटोरी रवा, आधा कटोरी दही, क्षमता अनुसार हरी मिर्च, धनिया और पानी, और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े से पोहे हैं जो कुछ देर भिगो के रख दिए थे, इन्हें हाथों से क्रश करके मसल के मिक्सर में डालें। अब डालें एक चम्मच नमक, एक चम्मच गाजर, एक चम्मच प्याज, एक चम्मच शिमला मिर्च, एक चम्मच टमाटर। सारी सब्जियां बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं। जरूरत के अनुसार पानी डालकर एक थिक सा मिक्सर तैयार कर लें। पैन में डालें आधा चम्मच तेल, बिना तेल के भी बना सकते हैं। एक से डेढ़ चम्मच मिक्सर को इसमें डालकर अच्छे से फ्लैट कर लें। साइड में अगर जगह हो तो दूसरा भी डाल दें। ऊपर से छिड़के थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लें। थोड़ा सा तेल ऊपर की साइड में डालें और चमचे की हेल्प से इसको साइड से फ्री कर लें, ताकि जब फ्लिप करें तो ये टूटे नहीं। अभी दोनों को बारी बारी से फ्लिप कर लें और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लें। चाहो तो थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए एक बार फिर से पलट दो। लो जी, हो गया आसान और हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार। गर्मा गर्म सर्व करें और देसी इंडियन फूडोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।